Welcome to India Reforms Judicial Reforms. मैं डॉक्टर कपिल कक्कर, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, रिफॉर्मर, आज आपके सामने जुडिशियल रिफॉर्म्स का एक और वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पे मैं बात करूँगा कि हमारा जुडिशियल सिस्टम इज अ 3 लाख करोड़ स्कैम. यस, 3 लाख करोड़ स्कैम. हम लोग डेट्स लेते हैं, हम लोग उस एंटिसिपेशन में रहते हैं कि हमें कभी ना कभी जस्टिस मिलेगा, पर जस्टिस तो आप छोड़िए, हमारे देश के अंदर जुडिशरी अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम निकल के आ रहा है. हम बात करते थे 1 लाख करोड़ का स्कैम, 2 लाख करोड़ का स्कैम, पर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 3 लाख करोड़ का स्कैम एनुअली. और ये पैसा कहाँ जाता है? ये पैसा ऑब्वियसली जुडिशियल सिस्टम में रहता है, लॉयर्स कमाते हैं, बट एक कॉमन मैन सफ़र करता है. मैं फिर रिपीट करूंगा कि मीडिया कई बारी 1, 2, 3 केसेस को हाईलाइट कर लेती है, जुडिशरी की तारीफ कर देती है, तो लोगों का वो फेथ रिपोइज हो जाता है जुडिशरी पे कि जुडिशरी अच्छा काम कर रही है, बट हकीकत में जुडिशरी विकलांग है. ना इनकी आँखें हैं, ना इनके पैर हैं, और हाथ भी इनके कांपे हुए हैं. अब मैं ये बातें आपके साथ क्यों कर रहा हूं, ये स्कैम कैसे है, मैं उस मुद्दे पे डायरेक्टली आता हूं. एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है दक्ष, जो ज्यादा रिसर्च लॉ पे करती है. उनके हिसाब से हर साल जो लिटिगेंट है वो 30,000 करोड़ रुपए का है या स्पेंड करता है जस्टिस पाने में. तो मैं ये जो 30,000 करोड़ की उनकी कैलकुलेशन है वो आपको तो बताऊंगा ही बताऊंगा, पर मैं इसको कहता हूँ ये 30,000 करोड़ का पेंडिंग नहीं है पर एक स्कैम है. क्योंकि कोर्ट के अंदर आदमी पैसे तो देता है, पैसे वकीलों को तो देता है, कोर्ट फी तो देता है, पर फिर भी उसको डेट से ज़्यादा और कुछ नहीं मिलता, सिर्फ होप मिलता है. इसलिए मैं इसको ये नहीं बोलूँगा 30,000 करोड़ स्पेंड करते हैं लोग, पर मैं ये कहूँगा ये 30,000 करोड़ का स्कैम है. और मैं आपको अब बताऊँगा कि वो लोग तो 30,000 करोड़ कहते हैं, जो वो भी बहुत बड़ा अमाउंट है, पर मैं इसको 3 लाख करोड़ क्यों कहता हूँ. क्योंकि अगर आप दक्ष जो बेंगलुरु की एनजीओ है, अगर आप उनकी कैलकुलेशन देखें, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये माना कि सिविल मैटर में एक कंप्लेनेंट जो है वो 20,000 रुपया स्पेंड करता है, और एक जो एक्यूज्ड है जिसके ऊपर केस हो रहा है वो 15,000 रुपया स्पेंड करता है. और लोअर कोर्ट के अंदर एक केस है वो 2,184 दिन चलता है, और हाई कोर्ट के अंदर केस जो चलता है वो चलता है 1,128 दिन, जो कि है 3 years and 1 month. अगर आप कंप्लेनेंट की बात करें, आप क्या सोच सकते हैं कि 15,000 रुपये या 20,000 रुपये के अंदर आप कोई केस लड़ सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि केस 3 साल तक चलता है या 2 साल तक चलता है और वकील आपसे सिर्फ 20,000 या 30,000 रुपया लेगा या 15,000 रुपया लेगा? मैंने तो अभी तक यहाँ पे कहीं ऐसा चीज़ नहीं देखी. अगर आप देखते हैं तो ऐसे, अगर आप इसको 10 टाइम्स भी कर दें, मिनिमम 10 टाइम्स भी कर दें, अगर आपका 3 साल 4 साल केस चलता है तो आपने कहीं ना कहीं उसके अंदर 2.5-3 लाख रुपए खर्च कर दिए. अगर आपने एक नॉर्मल वकील लिया, नॉर्मल वकील का मतलब है जो पर हेयरिंग का आपसे 5,000 रुपया ले लेगा, 7-8,000 रुपया ले लेगा. एक अच्छा वकील लिया तो वो तो ऐसे वकील हैं जो 7-10 लाख रुपया पर हेयरिंग लेते हैं. मैं उनकी नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अगर आप इसको मिनिमल फिगर के हिसाब से चलें, तो एक लिटिगेंट को, चाहे कंप्लेनेंट हो या डिफेंडेंट हो, उसको कम से कम 3 साल के अंदर कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चना पड़ता है. अगर हम उसको 15-20 हज़ार से उसको 10 टाइम्स भी कर ले, चलिए 3 लाख भी मैं नहीं मानूं, 1.5 या 2 लाख भी इसको मान लूं, तो जो 30,000 करोड़ दक्ष बेंगलुर की एनजीओ क्लेम कर रही है, तो अगर आप इसको 30,000 करोड़ को 10 टाइम्स करेंगे तो क्या आता है फिगर? 3 लाख करोड़. और आप एक और बात सोचिए, इतने हमारे लॉ मिनिस्टर्स आए, इतने गए, सब के सब लॉयर्स थे, बट किसी ने इस सिस्टम को, स्कैम को क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं चेंज किया? वो इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि ये इनके अपने इंटरेस्ट में है. वो लोग भी इस चीज का कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी रहे हैं, उन्होंने भी अपनी कमाई वहीं से ली है, उन्होंने अपनी गाड़ियां, उन्होंने अपने बंगलों सब वहां से बनाए हैं, और वो एक ये तोहफा अपने नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वकील और बच्चों को देके जा रहे हैं. और ये स्कैम हमारे देश में चलता आ रहा है.
आप सोचिए, एक लॉ मिनिस्टर है, इतने बड़े बड़े लॉ मिनिस्टर्स हमारी कंट्री में हुए, किसी ने इस चीज के बारे में क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि वो आपसे और हमसे पैसा लेना चाहते हैं, अपने तिजोरियां भरना चाहते हैं, और एक कॉमन मैन है वो सफर करता रहता है। मैं इस सिस्टम को एक मार्केट कहता हूं। व्हाई डू आई कॉल जुडिशियल सिस्टम अ मार्केट? स्कैम तो मैंने बोल दिया, बट व्हाई डू आई कॉल इट अ मार्केट? आई कॉल इट अ मार्केट बिकॉज देर इज अ ट्रेड, देर इज अ बिजनेस हैपनिंग एवरी डे वेयर द पेयर ऑब्लिक द स्पेंडर डज नॉट गेट एनीथिंग मोर देन अ डेट। उसको तारीख से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। आप जाते हैं, शक्ल दिखाते हैं, ऑटो का, गाड़ी का पेट्रोल वेस्ट करते हैं, वहां पर जाते हैं और नई तारीख आ जाती है। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन फॉर 10 years, 3,650 दिन। और मार्केट जो है वो बूम होते रहती है, और स्पेंडर को, जो आप और हम जैसे लोग हैं, हमें सिर्फ एक चीज पे जुडिशरी लाके छोड़ देती है, वो है उम्मीद, अगली डेट की उम्मीद। उम्मीद पे उम्मीद पे उम्मीद पे उम्मीद हमारी साइकिल चलती है, और इन लोग की साइकिल चलती है पैसे पे पैसा पे पैसे पे पैसा। चाहे आपके जजेस हों, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में शेयर करा कि ये लोग करप्शन को कैसे एंस्यू करते हैं, जब ये एक पब्लिक लैंड पे बिल्डिंग्स को हटाते नहीं है और कहीं बीच का रास्ते से निकल जाते हैं। तो मैं आपको फिर इस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप देखिए हमारे देश में कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, और ये स्कैम आज से नहीं चल रहा। अगर मैं कहूं इसको 20 साल या 30 साल से भी अगर आप जोड़ दीजिए, तो अगर आप 3 लाख करोड़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 साल में 30 लाख हो गए, 20 साल में 60 लाख करोड़ हो गया, आप सोचिए कितना पब्लिक मनी, पब्लिक टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कल आपके बच्चे ये पैसा ऐसे स्कैम्स में ना इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट क्या ना दें, स्पेंड करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की ज़िंदगी अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों से आपके बच्चों को चैलेंजेस से ना जूझना पड़े, तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। आपके साथ तो जो हो चुका है, बट आपकी आगे आने वाली जनरेशन्स के साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इट्स अ टाइम कि लॉ मिनिस्ट्री हमारी यहाँ की जागे, हमारे पीएम साहब जागे, और हम जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आए, बिकॉज इनफ इज इनफ। तो दोस्तों, अगर ये जुडिशियल रिफॉर्म नहीं आते हैं जिसके बारे में अभी हमने इस वीडियो में चर्चा करी, तो मैंने इसके बारे में एक छोटी सी कविता लिखी है, आप इसको देखिए कि गजब की अदालत है ये, अब सच को मसलने की ताकत है ये, और रौंदी हुई जिंदगी को रौंदने की वजह है ये, कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते। अदालतों में सच की चीख नहीं चलती, झूठ की पुकार सुनी जाती है, अब जज सबूत नहीं देखते, या यूं कहिए ढूंढते हैं और देखते हैं वो सबूत को अपने हिसाब से, कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते। वंस अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। Thank you so much.